समा हॉर्नबिल फेस्टिवल जहाँ होता है वहाँ आ चुके हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये सिर्फ और म्यूजियम है जो कि बंद है, नहीं तो हम यहाँ पे भी जाते हैं। लेकिन अभी आपको बस ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मतलब ये बस थोड़ा सा हेरिटेज कल्चरल चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अंदर अभी इतना कुछ होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ दिसंबर के टाइम में जब हॉर्नबिल होता है तब अगर आएंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर भी हम चलते हैं, जब हम आए हैं इस सीज़न में तो आपको दिखाते हैं ये नागा हेरिटेज किसामा। ऐसी जगहों पे स्पेशली रात को आते हो ना गाइस तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो घर है उनके लाइट जलते हैं और फिर यहाँ पे भी कुछ लाइट्स होंगे तो ये सब अगर जलेगा तो ये फिर नाइट व्यू बहुत अच्छा बढ़िया बन जाएगा। और नया कोहिमा में मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस जो किया, जो मैं 25 साल पहले या 20 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा इतना क्लीन नहीं था। अभी आप देख सकते हो कि पूरा मत रास्ता इतना क्लीन है, एरिया इतना क्लीन है और लोग भी यहाँ पे अभी काफ़ी एजुकेटेड है कि भाई वो लोग गंदा नहीं करते हैं। और वैसे भी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने फूडिंग भी मना कर दिया ताकि वो चीज़ें साफ़ सुथरी रहे, डस्टबिन है सब कुछ, मतलब आप ये देखोगे कि बहुत। और एक तो ये अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों के बीचों बीच हम यहाँ पे हैं तो मौसम का मज़ा लेते हुए घूमते हुए हम पूरी फैमिली नागा हाट है। ये देखिए इसे, ये नागा हाट है, देखते हैं। वैसे म्यूजियम में मैंने आपको काफ़ी सारी वो दिखाए थे तो ये नागा हाट है, यहाँ पे मतलब नागा रेस्ट हाउस टाइप बना हुआ है तो ये बिल्कुल बैम्बू हॉल टाइप बोल सकते हो आप। यहाँ पे आप इसको रेस्ट करना है रेस्ट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या आप कोई भी हिली एरिया ले लो, स्पेसिफिकली जगह से ज़्यादा आप मौसम, ये सब साफ सुथरी, ये स्वच्छ हवा, ये सब आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारी उन्होंने नई नई चीज़ें बना रखी हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये चर्च बना हुआ है, आप इस चर्च को, चर्च का बनाने का स्टाइल देखें कितना साफ सुथरा है, बिल्कुल उन्होंने थोड़ा सा पुराने टाइप में जो बनाते वैसा बना रखा है इन्होंने। लेंस डाउन में मैंने देखा था और आज कुछ ऐसा यहाँ देख रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है नागा हाट, ये रेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आई बिलीव जब हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे फूडिंग लॉजिंग वगैरह होता है, लॉजिंग तो नहीं मतलब फूडिंग होता है और आई एम नॉट श्योर इफ इट इज फॉर लॉजिंग पर्पस एज वेल, बट बहुत ही सुंदर है, सारा बेम्बू से बना हुआ है। आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह सारा ट्रेडिशनल वे में बना हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं यहाँ पे आने के लिए। दिसंबर फर्स्ट वीक में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, कोई भी आ सकता है, फॉरेन से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, इसलिए आपको दिखाया होगा मैंने। फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी इस BI का है एक बूथ। बहुत ही प्यारा है, हेरिटेज विलेज ट्राइबल मोरंग्स, मोरंग्स मतलब ये हट्स, ट्रेडिशनल हाउस ये देख सकते हो आप, ये कचहरी ट्राइब का है, कितना सुंदर है।
वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप हॉर्नबिल के टाइम में आओगे तो यहाँ पे एक भी जगह खाली नहीं मिलेगी, फुल्ली ऑक्यूपाइड। आपको आना चाहिए, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा यहाँ पे। आने का मन तो था इस बार बट आ नहीं पाया। ये रेस्ट हाउस, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटिंग के लिए भी आते हैं लोग, लोकल्स भी आते हैं यहाँ पे कभी, मतलब सैटरडेज़ को संडेज़ को आप हमेशा देखोगे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं लोग टाइम पास। बहुत ही अच्छा एरिया है तो लोग आते हैं टाइम पास करके जाते हैं, फोटो सेशंस वगैरह करते हैं। साल में एक बार ही दिसंबर का टाइम में होता है, एक तारीख से शुरू हो जाता है दिसंबर महीना में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है तो समय के अनुसार अभी भी खास बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आदमी लेने से भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। मार्केट वार्केट कब लगता है यहाँ पे? वो दिसंबर का टाइम में एक तारीख से शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ बताएंगे और क्या बताओ? बहुत मजा आया, हम यहाँ घूम रहे हैं तो लाइक आपको जैसे म्यूजियम में घर थोड़ा बहुत दिखाया था, यहाँ पे हमने देखा ये सारे स्टॉल है यहाँ पे, जब अपने अपने प्राइस के हिसाब से वो लोग अपना स्टॉल लगाते हैं। गाड़ी गाड़ी ये देखिए, बदमाश बच्चा, इसको लेके मतलब हम लोग परेशान हो गए। ये मैप है आपका किस्मा विलेज जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। योगेश जो हॉर्नबिल बोलते हैं ना, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है, पत्थर का है, पत्थर का पेड़ है, पत्थर का है। अच्छा पत्थर का है गाइस,
पत्थर का है, पत्थर का रोड है ना, मतलब खाली जाता है अभी क्या। एक चीज तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप कोहिमा आ रहे हो ना तो आप अच्छे तरह से ना स्टेमिना लेके आओ, क्योंकि यहाँ चलना फिरना ये सीढ़ी ऊपर नीचे बहुत होता है। मेरी आदत छूट गई है तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं ऊपर से ही देख लूं, लेकिन आप लोगों को दिखाना इसलिए मैं चल रही हूँ। आ जाओ ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं। कुछ जैसे ओह माय गॉड, ओ चुरी। तो ये सारे ट्रेडिशनल है और जो ऊपर आप देख रहे हो वो नागा स्पीयर है। चलो ऊपर क्या कर रहे हो इससे? ये दुश्मनों को भगाने के लिए अलर्ट करने के लिए। राइट मोने में भी है, यहाँ पर ऊपर भी है, दो है हैं सब जगह में। हेलो, वैली व्यू करवाते, वैली व्यू देखते हैं इसको। बहुत ही डेंजरस सा लग रहा है मुझे। गिर ना जाऊं।
देखिए। ओहो कुछ ऐसे ये छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क बच्चों के लिए हॉर्नबिल हेरिटेज विलेज में। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गाइस ग्रीन पार्क में झूले पे दिखाया था, मुझे झूला बहुत पसंद है और इसीलिए शायद मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। आस्ते आस्ते अरे आओ ना डरपोक, क्या डर लग रहा है, आजा आ हम पकड़ लेते हैं। अरे अरे चल 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 आपको चपटा कर देगी। आना आ जाओ आना आस्ते आस्ते ये देखिए डरपोक। अय्या चलो चलो आजा चल चलो आधे धक्का मारना वो भी आएगा तो आप देख सकते हो मुझे सीसा करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। बचपन में क्या करता था स्कूल में और अब बड़ा होने के बाद नेहा के साथ सीसों में एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आ जाओ ये देखो बृष्टि के साथ झूला झूलने में कितना मजा आ रहा है। देखो देखो सामने देखो यहाँ से उतरने वाली नहीं है पनी देखो हाइक में दे। बहुत एंजॉय कर रही है ये पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ ये हमारे चाचा जी और ये हमारे पापा खेलते हुए तो मुझे डर लग रहा है बट इनका आप देखो ये बहुत मजे कर रहे हैं।